Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello everyone, welcome back to all of you once again. Flamingo Books 12 स्टैंडर्ड की फ्लेमिंगो बुक से हम लोग लेसन 2 प्रोज में पढ़ रहे थे और प्रोज में हम लोग लेसन 2 का दो पैसेज 1 और 2 पढ़े थे। आज हम लोग पैसेज 3, 4, 5 जहां तक हो सकता है हम चाहेंगे कि कम से कम आज 5 या 6 पैसेज का अध्ययन करें। तो आइए पैसेज 3 से हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज 3। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम एट्स मदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। लिखा राइटर ने एट्स मदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, मतलब ये है कि उसमें से जो कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चों का जो गैंग था, उसमें से जो दूसरे बच्चे थे, उनमें से एक ने बोला, यह जोड़ते हुए बोला कि इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। उसने बोला जो ऑलरेडी हु इज वेयरिंग शूज नॉट मैच, जो ऐसा जूता पहना था जो बिना मेल का था, यानी वो खुद ही दो अलग अलग पैरों का जूता पहना हुआ था, वो बोलता है एनिस जंग से कि वह भी उतार दे तो वह उन्हें फेंक देगा। अर्थात अगर उसकी माँ उसको उतार के दे भी दे तो भी वह उसको फेंक देगा। अर्थात थोड़ा सा कमेंट किया उस दूसरे बच्चे ने, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया, राइटर बताती हैं, जब मैंने उस पर कमेंट किया तो ही सफल हिज फीट ऑन एंड सेज नथिंग, आई वांट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। कहने का मतलब ये कि जब राइटर फिर से उस पर कमेंट करती हैं, यानी कि जो बेमेल जूता पहन रखा था, तो ही सफल हिज फीट, सफल मीन्स जानते हैं, सफल मीन्स होता है रगड़ना या घसीटना, हिज फीट तो अपने पैर घसीटने लगा और कहते और कहा आई वांट शूज, मुझे भी जूतों की जरूरत है। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे भी जूतों की जरूरत है, Who has never owned a pair all his life, जो कभी भी अब तक अपने जीवन में एक जोड़ी जूता अपने पैरों में नहीं पहना था। तीसरा लड़का जो था वो कभी जूता पहना तक नहीं था, दूसरा जो था वो तो कम से कम अलग अलग पैरों का जूता पहना भी था। तो उसने कहा कि मुझे जूतों की ज़रूरत है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, राइटर बताती हैं कि देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, क्या करते हुए, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशन है, नंगे पांव रहना एक परंपरा है, ये भी एक प्रकार का व्याख्यान है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। किसी के पैरों में अगर चप्पल ना हो तो उसको वो ट्रेडिशन मान लेगा, फैशन मान के बताता है। आई वॉन्डर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि मैं राइटर बताती हैं कि वो हैरान हैं कि क्या कंटिन्यूस अर्थात लगातार सतत रूप से रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एक्सक्यूज है, अर्थात एक बहाना है, ये कह सकते हैं उन बच्चों के लिए। चौथा पैसेज देखते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, बताती हैं कि मुझे कहानी याद आती है एक ऐसे आदमी की, फ्रॉम उडुपी, उडुपी एक स्थान का नाम है, उडुपी के एक आदमी की कहानी याद आती है, वंस टोल्ड मी, जो मुझे एक बार सुनाया गया था, जो उसने मुझे एक बार बताया था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, कि छोटे जब वह लड़का था, यंग बॉय था, तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, तो वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से पास्ट गुजरता था, वेयर इज फादर वाज प्रीस्ट, जहां उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह मंदिर पर रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक
एक जोड़ी जूते के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्ष बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 वर्ष बाद मैं उसके शहर में मिला और उस मंदिर पर गया, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब एयर ऑफ डेसोलेशन ड्रोन डूब चुका था। किसके प्रभाव में? एयर ऑफ डेसोलेशन। एयर ऑफ डेसोलेशन में होता है कि उजाड़, यानी कि उजाड़ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ वहाँ स्थानीय प्रशासन समय समय पर वहाँ बस्तियाँ बसाने के लिए कुछ चीज़ों को हटा के वहाँ नया फॉर्मेशन करता है, तो उस तरह के उस उजाड़ के प्रभाव में वो समाप्त हो चुका था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और पीछे के स्थान में, अर्थात पीछे जो खाली स्थान था उसको पीछे का आंगन भी कह सकते हैं, पीछे के खाली स्थान में जहाँ नया पुजारी रहते थे, देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे मतलब ग्रे कलर का, स्लेटी रंग का पहनावा पहने हुए, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, अर्थात जूते और मोजे पहने हुए, अराइव्ड पहुँचा पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और पेंटिंग लिहाफता हुआ एंड थ्रू फेंक दिया अपना स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, अर्थात मुड़ने वाली फोल्डिंग पलंग पर, फोल्डिंग चारपाई पर भी कह सकते हैं, अपना बस्ता फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उस लड़के को देखकर मुझे वो लड़का, उस लड़के की प्रार्थना याद आ गई जो बहुत समय पहले ईश्वर से एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस एंड ग्रांटेड हिज प्रेयर। गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अर्थात देवी ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं, मुझसे अब ये कभी न खोएं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वोर शूज, उस पुजारी के बच्चे के जैसे अन्य छोटे छोटे बच्चे भी अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में जो रैग पीकर्स थे, रैग पीकर्स मतलब हमने पहले बताया जो कूड़ा करकट उठाते हैं बच्चे, तो कूड़ा करकट उठाने वाले अन्य बच्चों के जैसे अन्य बच्चे जो थे वो अभी भी रिमेन शूजलेस, बिना जूतों के ही रहते थे। माई टेंस विद द बेयरफुट रैग पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, 8 miles अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली माई एक्वेंटेंस, अर्थात मेरा परिचय विद द बेयरफुट रैग पीकर्स, उस नंगे पांव वाले कूड़ा करकट बिनने वाले के साथ मेरा परिचय लीड्स मी, मुझे ले जाता है टू सीमापुरी, सीमापुरी ले जाता है। और सीमापुरी है क्या? एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है, 8 miles अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, जो किसी भी प्रकार से या कहें तो लाक्षणिक रूप से दिल्ली से मीलों दूर है, लेकिन वो उसे दिल्ली के सीमा पर माना जाता है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, यहाँ जो लोग रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स मतलब होता है गैर कानूनी रूप से रहने वाले लोग, गैर कानूनी बसिंदे कह सकते हैं इसको। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय वाइल्डरनेस, मत जानते क्या होता है, बीहड़ क्षेत्र। सीमापुरी उन दिनों बीहड़ क्षेत्र हुआ करता था। इट इज स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, यह अभी भी है, इट स्टिल इज, यह अभी भी है, लेकिन अब उतना ज़्यादा, नो लॉन्गर एम्प्टी, उतना ज़्यादा अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूप्स ऑफ टीन एंड
tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 track pickers. अर्थात देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूप्स ऑफ टीन. कहने का मतलब यह है कि टीन और तिरपाल के छतों से बना हुआ, डिवाइड ऑफ सीवेज अर्थात नाली विहीन, और ड्रेनेज आर रनिंग वाटर जल आपूर्ति विहीन, कच्चे घरों में लिव रहते थे लगभग 10,000 कूड़ा बिनने वाले लोग रहते थे. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. वे यहाँ बिना किसी पहचान के लगभग 30 वर्षों से रह रहे थे, विदाउट परमिट, बिना किसी आदेश के, बिना किसी अवज्ञा के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड उनको मिला था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे उनके नाम जो थे मतदाता सूची में शामिल हो जाते थे और वो लोग अनाज भी उनको इनेबल होते थे, अनाज भी पाते थे. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. भोजन जो होता है वो पहचान, जीने के लिए जो आइडेंटिटी है वो पहचान से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन. अगर हम दिन के अंत में अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना एक स्टोमक के, बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया. अर्थात ऐसे जगह, ऐसे खेत जो हमको अनाज नहीं दे सकते, तो उस खेत वाले स्थान पर रहने का कोई विशेष मतलब नहीं है. जैसे कि हम अगर किसी दूसरे जगह रह करके अपने आप को जो है अपना जीवन यापन कर सकें. से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज, यही बात टैटर्ड सारीज अर्थात ऐसी फटी हुई साड़ियां पहने महिलाओं का एक समूह भी कहता है. When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ, अनिस जंग बताती हैं कि जब मैं उनसे पूछती हूँ why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपना हरे भरे खेत और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, तो वो भी यही जवाब देती हैं जो ऊपर की पंक्ति में लिखा गया था. Wherever they find food, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता, they pitch their tents, वे वहीं अपना टेंट बना लेते हैं. That become transit home, और वहीं उनका अस्थाई घर बन जाता है. ट्रांजिट मिस होता है टेम्पोरेरी. चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में बड़े हो जाते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन यापन में अपनी सहभागिता दिखाने लगते हैं, साझेदारी करने लगते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जीवन यापन सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब हुआ रैग पिकिंग अर्थात कूड़ा बिनना. थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, वर्षों की अवधि में इसने एक फाइन आर्ट का अर्थात एक ललित कला का रूप धारण कर लिया है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है, कूड़ा ही उनके लिए धन है. इट इज देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोज की रोटी है, अर्थात यही उनकी रोजी रोटी है. अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर का छत है. इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ही वो टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन कूड़ा बिनना ही उनके लिए रोजी रोटी है, वही उनके सिर के ऊपर का छत है. बट फॉर ए चाइल्ड इट इज एवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज्यादा है. छठा पैसेज, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप. स्टार्टिंग का लाइन है ये, जहाँ से लेसन शुरुआत हुआ था, कि 1 रुपये मिल जाता है इवन अ 10 रुपये नीच, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं. साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप,
in a heap of. साहिब says his eyes lighting up. साहिब कहता है और उसकी आँखें lighting up, चमक उठती हैं. When you can find a silver coin in a heap of garbage? अनीश जंग पूछती हैं कि जब you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको चांदी का सिक्का मिल जाता है गार्बेज के ढेर में अर्थात कूड़ों के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो क्या आप और ज़्यादा पाने की अपेक्षा नहीं करते, और ज़्यादा ढूंढते नहीं? फॉर देर इज ए होर, कि अधिक हमको मिल. सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ के माता पिता के लिए जो अर्थ होता है उससे अलग होता है. फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के यह आश्चर्य में लिपटी हुई, रैप्ड आश्चर्य में लिपटी हुई होती है. अर्थात कूड़ा जो होता है आश्चर्य में लिपटा हुआ एक कोई मूल्यवान वस्तु हो सकता है. फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स सर्वाइवल, और फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स सर्वाइवल. बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज होती है, लेकिन बड़े बूढ़ों के लिए यह जिंदा रहने का एक साधन है, अपना जीवन यापन करने का एक साधन है. अगला सातवां पैसेज देखते हैं. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी अर्थात जाड़े के एक सुबह में मैंने साहब को पड़ोस के क्लब के पास लगे दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ से वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जहाँ से वह सफ़ेद वेशभूषा पहने हुए दो युवक टेनिस खेलते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था. साहिब एक जाड़े की सुबह में गेट के पास खड़ा था, पड़ोस के एक क्लब के गेट के पास, और उस क्लब के अंदर दो युवक जो है टेनिस खेल रहे थे सफ़ेद वेशभूषा पहने हुए. आई लाइक दैट गेम, ही हम्स, वह हम्स होता है गुनगुनाना, धीरे से बोलना, वह धीरे से गुनगुनाता है, मुझे यह खेल पसंद है, मैं यह खेल खेलना पसंद करता हूँ. कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इस बार के पीछे से खड़ा होकर वह देखकर ही संतुष्ट है. आई गो इन साइड वे नो वन इज अराउंड, आई गो मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई अंदर नहीं होता है, जब कोई चारों ओर नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ. ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज अ स्विंग, और गेट कीपर मुझे यूज करने देता है स्विंग झूले का, अर्थात जो द्वारपाल है वह मुझे झूला झूलने की अनुमति दे देता है, मुझे झूलना झूलने देता है. आठवां पैसेज देखते हैं. साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस शूज पहना हुआ है. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी डिसकलर्ड अर्थात रंग उड़ी हुई शर्ट, और शॉर्ट में जानते क्या होता है, शॉर्ट नीचे जो हाफ पहनते हैं, हाफ पैंट कह सकते हैं, नेकर बोलते हैं उसको, वही शॉर्ट लिखा है यहाँ पर. तो साहेब भी टेनिस खेलने वाला जूता पहना था, और जो उसकी रंग अर्थात रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर पर स्ट्रेंज विचित्र लग रहा था. समवन गेव देम टू, शायद किसी ने उसे दे दिया था. समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दे दिया. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के तौर पर, स्पष्टीकरण के ढंग में वह कहता है कि इससे यह ये जो मैं पहना हूँ ये किसी ने मुझे दिया है. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम. फैक्ट, यह तथ्य दैट कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी धनी लड़के के डिस्कार्डेड शूज हैं, छोड़े हुए त्यागे हुए जूते हैं,
जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण पहनने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया टू वियर पहनने से देम उनको बिकाजाफी होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में किसी में होल हो गया था, छेद हो गया था जूते में, इनकार कर दिया, बड़ा आदमी रहा होगा। डज नॉट बॉदर हिम उसे परेशान नहीं करता। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हु हैज वॉक्ड बेयरफुट जो नंगे पांव घूमो, इवन शूज विथ अ होल छेद वाले जूते ही पहन भी इज अ ड्रीम कम ट्रू, सपने सच होने से कम नहीं है, सपना सच होने जैसा है। अर्थात जो कभी जूता न पहना हो, नंगे पांव चलता हो, उसके लिए अगर किसी जूते में थोड़ा छेद हो या फटा हुआ हो, उस तरह का भी जूता उसके लिए पहनना सपना सच होने के जैसा होगा। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह खेल जिसे वह वॉचिंग बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बहुत बाहर था। अर्थात उसका जो जीवन था वो तो व्यतीत हो रहा था किसमें, कलेक्टिंग गार्बेजेस में, कूड़े करकट बिनने में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। इसीलिए यहाँ एनिस जंग बताती हैं कि उसके भाग्य में टेनिस खेलना कहाँ संभव है।